हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं भेल की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही चटपटा लगता है। कभी भी लाइट भूख हो उस टाइम पे हम फटाफट भेल बना के तैयार कर लेते हैं। और हम जिस तरीके से भेल बनाएंगे वो भेल आपको मुंबई की स्ट्रीट फूड की याद दिला देगी। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप लास्ट तक देखिए। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। भेल बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स दिया है वो है 1 कटोरी मुरमुरा। इसे कहीं पे मोमड़ा, कहीं पे मुरही नाम से जाना जाता है। इसे हम गैस पे कढ़ाही गरम करके उसमें 1 चम्मच तेल, आधा चम्मच हल्दी के साथ रोस्ट कर लिया है, तो ये बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम एक टमाटर को काट लिए हैं, 2 बड़ा चम्मच हम तीखी चटनी बनाए हैं, 1 बड़ा प्याज को हमने बारीक बारीक काट लिया है, यहाँ बारीक वाला सेव और थोड़ा सा पापड़ी हमने मैश लिया है, नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, रोस्टेड मूंगफली यानी कि सिंगदाना, 2 हरी मिर्च को हमने छोटे छोटे काट रखे हैं, आधा टुकड़ा हम नींबू का रस लिए हैं और थोड़ा सा धनिया पत्ता हम बारीक काट लिए हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने एक बड़ा सा बॉल ले लिया है, उसमें हम डालेंगे कटा हुआ प्याज, कटा हुआ टमाटर, हरी मिर्च, लाल मिर्च। तो आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो ज्यादा डालिए, कम है तो आधा चम्मच डालिए। थोड़ा सा हम चाट मसाला डालेंगे, इसमें हम 2 बड़ा चम्मच चटनी डालेंगे। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम चम्मच से पहले मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें नींबू निचोड़ेंगे, तो यहाँ पे हम आधा नींबू को निचोड़ रहे हैं। अब जितना भेल बनाना है उस अनुसार से क्वांटिटी कम ज्यादा कर लीजिए। अब स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे, तो यहाँ पे हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मोमड़ा डालेंगे, तो हम इसमें मुरमुरा डाल देंगे। मुरमुरा को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें बारीक सेव और पापड़ी डालेंगे। पापड़ी को हमने मैश रखा है। सिंगदाना यानी कि रोस्टेड मूंगफली, इसे भी हम डाल देंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब हम ऊपर से डालेंगे बारीक धनिया पत्ता जिसे हमने काट के रखा है। तो आप देख सकते हैं ये कितनी चटपटी भेल तैयार हुई है। कभी भी हम मुंबई घूमने जाते हैं जुहू चौपाटी पे, तो भेल खाने का मन होता है और सेम भेल हमने घर पे बनाया है। इसमें सफाई का ध्यान रखते हुए अपना भेल तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर देते हैं। हमने यहाँ पे 1 प्लेट लिया है, इसमें हम भेल सर्व करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी होता है, बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं। भेल की हमने प्लेटिंग कर ली, अब हम थोड़ा सा सेव से इसकी गार्निशिंग करेंगे। इसके ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा टमाटर और थोड़ा सा धनिया पत्ता। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया भेल बनाना कितना आसान है और खाने में ये बहुत ही चटपटी लगता है। आप लोगों ने भेल तो खाया ही होगा, पर इस तरीके से अपने भेल खा के देखिए कितना बढ़िया स्वाद आता है।
बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं और बनाना बिल्कुल आसान है। इसे आप कोई भी छोटी मोटी पार्टी हो उसमें बना के सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी भेल की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।